नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। इस गाने का बोल विकास भवन होते हुए भुतहिया टाड़ जाने वाले मार्ग पर सटीक बैठता है। भुतहिया टाड़ चौराहा से पहले काफी दूर तक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आलम यह है कि पानी के बीच पिच की जगह सिर्फ गिट्टी और मिट्टी दिखाई दे रही है। सड़क का नाम मात्र का हिस्सा बचा है जहां पानी नहीं लगा है। खतरे की बात यह है कि पानी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। रोज आवागमन करने वालों को भी गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं है और वो किसी तरह से बच बचा कर निकल रहे हैं। अनजान लोग तो आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। पानी से हटकर जो जगह सूखी बची है उस पर सिर्फ एक बाइक निकलने की जगह है। इससे दोनों तरफ बाइक सवार खड़े होकर एक दूसरे के निकलने का इंतजार करने को विवश हैं। इसी मार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों का भी आना जाना होता है, लेकिन उन्हें इस मार्ग की दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही, जिस वजह से लोगों को कष्ट झेलने को विवश होना पड़ रहा है। बिरनो विकास खंड के लहुरापुर गांव के गुरिया ऊसर दलित बस्ती में पिछले 2 दशकों से आवागमन के लिए चक्रोड तक नहीं बना है। इससे आक्रोशित दर्जनों की संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने बीच रास्ते पर पानी में खड़े होकर रविवार को जन प्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। राम अवध राम, रामदास राम, राजेंद्र राम, गुलौची देवी, राकेश कुमार, नरेंद्र राम, अशोक कुमार, बलजोर राम, मुकेश कुमार, दयाराम, राम प्रवेश राम, संजय कुमार, सुखू राम आदि ने बताया कि चक्रोड निर्माण के लिए कई कई बार सचिव, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिले के जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहा कि हम लोगों को घुटने भर पानी के बीच से आवागमन करने विवश होना पड़ रहा है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रेवतीपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को बैठक हुई। इसमें विजय शंकर पाल को सपा सचिव और अश्विनी कुमार शुक्ला को लोहिया वाहिनी गाजीपुर का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों लोगों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोहिया वाहिनी गाजीपुर के अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के बजाय उनकी खेती की मेड़ को तोड़ने का काम कर रही है। वो किसानों को पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, न यूरिया मिल रही है, न बिजली। सरकार किसानों की हमदर्द नहीं, दुश्मन है। इस मौके पर जितेंद्र कुमार, अनिल शुक्ला, भोला यादव, यमुना यादव, प्रमोद यादव, अनिल यादव, संदीप यादव, विकास पांडे आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता पारसनाथ पाठक ने की। रविवार की सुबह प्रकाशनगर विद्युत उपकेंद्र पर बड़ी बाग फीडर की ट्रॉली में आग लग गई। इससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने किसी तरह से अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाया। आग की इस घटना से लाल दरवाजा, बड़ी बाग, पुलिस नंबर 1 और 2 की आपूर्ति ठप हो गई। कर्मियों ने आग की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही जे अविनाश मौके पर पहुंच गए। उनकी देखरेख में कर्मचारी कमलेश, पंकज, अरविंद, बसंत, दानिश आदि ने ट्रॉली को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किया। उधर घंटों बत्ती गुल होने से उपभोक्ता परेशानियों के बीच अब तब बिजली आने का इंतजार करते रहे। इस संबंध में जेई अविनाश कुमार ने बताया कि बड़ी बाग ट्रॉली में सुबह लगभग 7:30 बजे आग लग गई। इस वजह से सभी फीडरों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। दिन में करीब 11:10 बजे सप्लाई शुरू की गई, लेकिन पुनः बड़ी बाग फीडर में फॉल्ट आ गया, जिसे ठीक करने का कार्य दोबारा प्रारंभ करना पड़ा। दिन में 12:45 पर 3 फीडरों की आपूर्ति सुचारू कर दी गई, जबकि मरम्मत का कार्य पूरा होने पर बड़ी बाग फीडर की आपूर्ति 4 बजे बहाल की गई। ब्राह्मण जनसेवा मंच की बैठक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जमनिया में रविवार को हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर बालकृष्ण त्रिवेदी और विवेकानंद पांजेय ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि अब हम लोग एकता का परिचय देते हुए एक साथ बैठकर अपने भाई बंधुओं की परेशानियों का निराकरण करने की पहल कर रहे हैं। इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जहां हम ब्राह्मण बंधुओं में परस्पर सहयोग की भावना का उदय होगा, वहीं सनातन की परंपरा को आगे ले जाने के लिए अनेक कर्णधारों का माध्यम बनेगा। ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने समाज को अग्रणी साबित कर पाएंगे। इस अवसर पर प्रेम मिश्रा, अतुल पांडे, उद्धव पांडे, रविशंकर तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, अतुल तिवारी, अंकुर तिवारी, रजनीकांत तिवारी, बंटी सहित सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित रहे। अध्यक्षता राधेश्याम तिवारी और संचालन राम मनोज त्रिपाठी ने किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।